अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और पीछे देख सकते हैं, ये है मेरा भांजा नुमान। ये आया है आज हमारे घर पे, मतलब आज हमने मेरे बहन को दावत में बुलाया था, मतलब इफ्तार में बुलाया था, तो वो भी आए थे। तो ये साथ में अभी रुक गए, बोला कि मैं 2 दिन रुकूंगा तुम्हारे साथ में। तो बोला ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी पुणे में लॉकडाउन है तो कहीं जाने आने तो मिलता नहीं है। तो ये आया, और ये जब से आया है वो शेरू के पीछे ही पड़ा है, और वो शेरू भी ना उसके पास जाके सो रहा है, बैठ रहा है। और आज फरा ने बनाया था खाने में, क्या बनाया था? पूरन पूरी है ना। हाँ। पूरन पूरी बनाया था फरा ने, और इफ्तारी में बनाया था आज। इफ्तारी में चने बनाए थे ना फरा आपने, चना चाट फरा आपने बनाए थे, लेकिन हमें वीडियो बनाने में टाइम नहीं मिला क्योंकि सब लोग थे घर में, तो थोड़ा हम उनके साथ बैठे थे, बातें वीते कर रहे थे। तो अभी बज रहे हैं रात के 12:15, क्योंकि अभी टाइम मिला है, अभी टाइम से मतलब पूरा हो गया है। और शाम में भी हमने खाना भी हो गया, इफ्तारी में हमने इतना खाया था कि उसके बाद खाने के लिए मेरे को टाइम नहीं मिला। तो मैं तो जल्दी खा लिया, तो फरा अभी नहीं खाए। तो अभी फरा हाँ फरा और मैं फरा दीदर में हाँ वो फरा बोल रहा तू हाँ हाँ मैं एकदम शॉक हो गया, फरा बोला इसने करके है ना। हाँ, अभी फरा और नुमान अभी तक खाना नहीं खाया, क्योंकि ये लोगों ने ना इफ्तारी में इतना ढेर सारा खाया है ना दोनों ने, इसीलिए तो अभी तक इन्होंने खाना खाया नहीं है, तो ये अभी खाना खा रहे हैं। और पूरन पूरी तो फरा ने बहुत अच्छी बनाई थी, अच्छी बनी, लेकिन मैंने अभी तक खाई नहीं। तो अभी खा रहे हैं फरा। नहीं, पूरी तो मैं नहीं खा रही, पूरन पूरी नहीं बनाई, तो सुबह में देखूंगी। तो हमने सोचे थे पहले आज क्या हम चिकन बिरयानी बनाते हैं, फिर बाद में हम लोग ने, जैसे कि हम लोग का चलता ही है कभी हम ये सोचते हैं लेकिन हम बनाते नहीं हो, तो हमने सोचा, फिर बाद में सोचा कि नहीं, हमारे जो इनके अब्बा है इनको चिकन नहीं पसंद है ज्यादा, उनको बीफ पसंद है, मटन पसंद है। इसके लिए हमको अभी 12 तो बज चुके थे, 12 बजने के बाद में मुझे चाची का कॉल आया था, मतलब इसके अम्मी का, कि आने वाले है। तो फिर मैं बोली अभी ठीक है, अभी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो मैं बोली नॉनवेज तो हर कोई बनाता है, चलो आज मैं पूरन पोली बनाती हूँ। वैसे भी इसके अम्मी अब्बा को बहुत पसंद है वो, इसके लिए मैंने आज फिर पूरन पोली का प्लान किया। तो बहुत बहुत मतलब बहुत हेडेक हो रहा था, बहुत काम लोड, बहुत वर्क लोड था, और समीर को मैं बोल भी नहीं सकती थी कि वीडियो बनाओ मेरा या मैं ये रेसिपी शूट करूँ, कुछ पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि घर में मेहमान आके बैठे हुए थे और मैं उसमें वो बना रही थी, तो कुछ पॉसिबल ही नहीं था। इसके लिए फिर ऐसे ही हमने चला बातें करते करते इधर उधर से, कैसे वो टाइम में 4 बजे से जो रुकी हुई थी, तो वो पूरे इफ्तार तक रुकी हुई थी, खड़े रह के पूरा। और आप लोगों को तो पता है ना पूरन पुली का कितना कितना, और बहुत अच्छी भी बनी थी। हाँ, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनी थी, अच्छी बनी थी, लेकिन मैंने घी में नहीं बनाई थी उसको, ऑयल में ही बनाई थी, क्योंकि घी वाली जो है ना वो बाद में फिर ठंडी होने के बाद में इतना टेस्ट नहीं देती है, इसके लिए फिर। तो अभी वापस बनाने वाले हो ना अभी आप? अभी नहीं बनाऊंगी मैं, अभी तो ये भी नहीं खा रहा। तू भी नहीं? क्यों? मैंने खाता ना। हाँ, इसको तो मीठा नहीं पसंद है। आज शेरू भी इतना खेला नहीं, देखो वहाँ पे उसका बॉल भी गिरा है, वो बॉल से बहुत खेला, क्योंकि नुमान मोइन उसके साथ, वो देख के ना उनके साथ भी बहुत खेल रहा था शेरू। ओए, अभी सो के उठा है ना वो अभी, और कब से नुमान उसको लेके बैठा था, इसीलिए अभी वो नीचे जाके बैठ गया है। तो ठीक है, चलिए अभी ये दोनों खाना खाते हैं, फिर उसके बाद अभी मैं आज नहीं खाऊंगी पूरा, कल बनाऊंगी तो कल खाऊंगी, अभी मेरा मन नहीं है बनाने को, मैं बना बना के थक गई हूँ अभी, इसके लिए फिर मैंने सोची कि मैं कल बनाऊंगी। और अभी हम दोनों खाएंगे आमटी और चावल जो उसके साथ में बनती है, कर्ड की, क्या बोलते हैं उसको, कैसी बनेंगी बोलूंगा, काटे ची आमटी कैसी बनेंगी मैं बोलूंगा मैं। क्यों, तूने तो खाया ना, टेस्ट किया ना तूने? नहीं, उसने एक निवाला भी नहीं खाया। अरे तो एक निवाला मैंने खिलाया ना उसको, मैं खाने के टाइम वो पूरन पोली खाया, आमटी नहीं खाया। अच्छा, आमटी की बात कर रहा है, चावल की बात कर। अच्छा, ठीक है ठीक है। और अभी ये लोग खा रहे हैं आमटी और चावल, और अभी सहरी को भी उठना है क्योंकि ये भी रोजा रहता है, क्योंकि इसने भी अभी तक पूरे रोजे किए हैं, तो ये भी अपने रोजे कम्प्लीट करता है, तो सहरी को उठना ही है। तो सहरी में डिसाइड किया है रोटी और अंडे की चटनी। हाँ, इसको अंडे की चटनी पसंद है, तो इसी इसके लिए अभी सहरी में रोटी और अंडे की चटनी बनेगी। हाँ। तो मैं भी उसी में कर लूंगा। लेकिन हमारा भरोसा नहीं रहता, टाइम पे चेंज होते।
ये भी सोचा है, टाइप में अपने कुछ भी चेंज हो जाता, मतलब कुछ भी बनाते हम हाँ। अभी बोलते हैं फिर उस टाइम चेंज हो वाला तो क्या भी चेंज नहीं ना। ये शेरू अभी खाना खा रहा है अपना, कुछ भी चलता, अंडे की चटनी भी चल जाएगा रोटी क्या। इसने तो मेरी बात की, चाय तो लगती है भाई अपने को, चाय नहीं होंगी तो फिर कैसे होगा। क्या पीते भाई तुम चाय? हमको चाय बहुत पसंद है, लड़के लोग को तो चाय लगती है फरा, और खास कर इफ्तारी के बाद जो चाय पीने का मजा आता है। हाँ इसको तूने मांगा है ना इफ्तारी तो ऑलरेडी खाना में इफ्तार के बाद रोजा खुलने के बाद मैं शेरी के बाद मंगवाना फिर चाय। ओके अच्छा नहीं लेकिन तूने बोला था ना इफ्तारी के बाद मुझे चाय और बनाना पड़ेगा करके, नहीं बोला मैंने। हाँ रहने दे, चलो इन लोग की बातें तो ऐसे चलते ही रहती है तो चले अभी ये लोग खाना खाएंगे फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं शहरी में। अभी थोड़ा हम आराम करते हैं क्योंकि आज बहुत थक गए, वापस से मिलना है, वापस मिलना है, वापस मिलना है शहरी में। ओके ओके चलिए ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हम उठे हैं शहरी के लिए और जैसे ही हम उठे तो ये शेरू मेरे पास आ गए, यहाँ से भाग रहा है अभी ये वो आज ना यहाँ पे नीचे सोया हुआ था क्योंकि आज हम सामने के रूम में सोए क्योंकि हम तीन लोग थे घर पे तो सामने के रूम में सोए थे तो वो दरवाजे के पास वहाँ पे सोया था। तो जैसे अभी मैंने लाइट ऑन किया तो वो आके मेरे गोद में सो गया था तो अभी उठ गया है वो भी। तो चलिए अभी और अभी बज रहे हैं 4, आज थोड़ा लेट हो गया और फरा उठ गए, फरा अपनी तैयारी कर रहे हैं तो चलिए जल्दी से ब्रश करते हैं फिर अपनी सहरी लेते हैं। तो ये फरा की तैयारी अभी चालू है सहरी के लिए, इससे तो लग रहा है कि फरा रोटी बना रहे हैं और यहाँ पे कुछ क्या बना रहे अभी आप? अंडे की चटनी। अच्छा अभी अंडे की चटनी बन रही है और ये यहाँ पे बैठा है उठ के नुमान, इसने बोला था कि मैं सहरी तक सोऊंगा ही नहीं बट ये तो घोड़े बेच के बहुत इतने आराम से सो गया था ना, हमें उठाना पड़ा इसको तब जाके अभी उठ के बैठा है तो वेट कर रहा है फरा के सहरी का अभी। तो फरा जो बना रहे हैं उसका वेट कर रहे हैं, हो गया रोटी तो हो गई ना? हाँ रोटी हो गई, इसी को भी अंडे की पत्ती बना और बाकी है, वो होने के बाद हम करेंगे दोनों सहरी, फिर सहरी करने के बाद फिर नमाज पढ़ेंगे। मेरी सहरी तो हो गई है बट आज हमारे शेरू ने सहरी नहीं किया, वो कुछ खाया ही नहीं है बट ऐसे ही उठ के बैठा है हमारे साथ में। शेरू मेरी हो गई है बट नुमान की अभी सहरी चालू है, जल्दी जल्दी का टाइम नहीं है क्योंकि हाँ लेट भी उठे हैं हम, तो मेरा तो हो गया है। और समीर ये क्या कर रहे हो आप? डर मत जल्दी पी। नहीं नहीं पी सकता, तक टाइम रहता है, चाय पी लो। पी सकता टाइम ये रहता है, पी सकता। समीर क्या कर रही हैं आप? अरे पर मतलब में ना मच्छर बहुत हो गए आज, क्या बोलूंगा आपको। सहरी से पहले सोए थे हम थोड़ा। हाँ बाबा मुझे भी अभी तक काट रहा है, खुजा रहा है, नींद लगी थी हमें भी पर मच्छर ना सोने नहीं दिए, बहुत मच्छर काट रहे हैं। कैसे पी रहा ऐसे क्यों पी रहा? घर में बोल सौसर में डाल के पी। ये देखो समीर के कैसे क्या चल रहे हैं। नहीं बाबा मच्छर अगर, हालांकि मैंने गुड नाइट भी लगाया है वहाँ पे क्या, गुड नाइट लगाने के बावजूद भी इतने मच्छर काट रहे हैं ना, उन लोगों को सोने में टाइम नहीं मिलता क्या? रात में लोग सोते ना क्या, दिन भर क्या करते हैं, गर्मी में आता है मच्छर। हाँ मच्छरदानी लेना, देखो अपन पे क्या है मच्छरदानी दोनों के लिए, थोड़े टेस्ट पे थोड़े मच्छरदानी। देखो ये करूँगा इसके बाद ऑटोमोस लगाऊंगा फिर जो सो जाऊंगा नारायण दोपहर में 2-3 बजे फिर मच्छर भी चले जाएंगे। मस्त 2-3 बजे उठेंगे, मस्त नहाएंगे, नमाज पढ़ेंगे। फिर चलो हुआ क्या आपका? क्यों
आज काम भी बहुत है। काम बाप रे, मेरा किचन देखो कैसा हो गया है पूरा किचन सा। तो अभी किचन आपने देखा ही होगा कि कितना गंदा हो गया और बर्तन भी बहुत जमे हैं। तो मैं तो बोल ही रहा हूँ कि फराह को सुबह कर सकते हो, बोले नहीं, बोले अभी एक टाइम अगर मैं करके सो जाऊंगी ना तो सुबह अपने को टेंशन नहीं रहेगा। मैं बोला ठीक है, फिर पहले काम करते हैं, पहले नमाज पढ़ के लेते हैं क्योंकि अभी अजान भी होंगी, सहरी का वक्त खत्म हो गया है। अजान होने के बाद फिर नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने के बाद जो बर्तन है तो वो क्लीन करेंगे, मतलब फराह की मैं थोड़ी हेल्प कर दूंगा फिर बर्तन में, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम सो जाएंगे, फिर आप लोगों से मिलते हैं हम सुबह 8 बजे। कितने? हाँ देखो तुम लोग कब मिलते हो, बस मेरा तो टाइम अभी जब तो मैं मिलूंगा, हाँ जब मैं अभी उठूंगा तब मैं मिलूंगा। तो चलिए ठीक, सुबह 8 बजे ठीक है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बहुत लेट करके उठे हैं, मैं नहीं फरा और झूठे बात है क्या फरा, मैं क्यों झूठ बात करूं, मेरी शिफ्ट थी तो मैं जल्दी उठ के वापस से थोड़ा करके मैं भी थोड़ा सो गया था, क्योंकि सहरी के बाद ना हम तीनों जल्दी सोए ही नहीं क्योंकि फरा का भी काम था। तो फरा भी बहुत लेट करके सोए और 6:30 या 7 बजे होंगे हमारे को सोने के लिए, फिर मैं थोड़ा काम करके सो गया था। और अभी बजे है 12:30 बजे, तो अभी उठे हैं और जोहर का भी टाइम आएगा, फिर चलिए जल्दी फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, फिर उसके बाद नमाज पढ़ते हैं और आपसे बातें करते हैं। और ये आके वापस से लेट गए, जबकि ये अभी उठा है और वापस से आके लेटा है। कैसे हो गई नींद? अच्छी हो गई ना। हाँ। इसको ना जब सोया ना मच्छर इतने काट रहे थे ना। मान चल अभी मोबाइल रख, इफ्तार का टाइम हो रहा है, अभी वजू कर, दुआ में बैठ। बहुत सोया तूने आज, बहुत अच्छी नींद ली, अभी वापस से सोया था ना तुम बाहर जाने के बाद। तो चलिए अभी देखते हैं फरा आज इफ्तारी में हमारे क्या बना रहे हैं। तो आज हमारे घर में बन रहा है इफ्तार के लिए रगड़ा। खाता ना नुमन तू रगड़ा? हाँ। पसंद है ना तेको? हाँ हाँ मेरे को भी पसंद है। पसंद है क्या? नहीं। किसको? शेरों को। शेर को उसका खाना ही पसंद है, वो भी खा रहा है। आज देखा ना सहेली में उसने कुछ भी नहीं खाया। हाँ अभी थोड़ा देर पहले डाला था मैंने, देखा अभी थोड़ा और खा लेगा फिर। तो हो गया फरा तैयारी आपकी? हो गया, अभी इसको गला के लूंगी। रगड़े को ज्यादा टाइम नहीं लगता है ना, पन जल्दी हो जाता है। हाँ पर मैं बगाती भी हूँ इसको। हाँ ओके, अच्छी बात है फिर। तो आज का भी दिन कैसे गया पता ही नहीं चला, क्योंकि बहुत लेट करके भी उठे थे सहरी के बाद में, क्योंकि हम सोए ही लेट थे तो इतना लेट हो गया। तो आज का दिन भी कैसे गया पता नहीं चला, इतनी जल्दी इफ्तारी का भी टाइम हो गया। अभी बज रहे हैं 6:15, पता नहीं चला रोज़ा कैसा गया, बट आई थिंक नुमान को लगा होगा रोज़ा, क्योंकि इधर से इधर वो घूम रहा है, इसी मोबाइल देख रहा है, टाइम देख रहा है ना नुमान? नुमान कुछ काम नहीं करा, जो सो के है खाली, सिर्फ सोया था भाई और शेर के साथ खेल रहा था। हाँ और शेर के साथ तो कल से खेल रहा है, वो शेर को किधर जाने ही नहीं दे रहा है, बॉल और उसके साथ खेल रहा है। तो और क्या बोलेंगे अभी, आज तो मैं 3 बजे उठा हूँ। हाँ आज 3 बजे ये कोई टाइम है, सहरी करके ये उठा है 3 बजे और जोर की नमाज चली गई थी, कितने बजे? 6 बजे। हाँ और अभी नहाया है, क्या इसका टाइमिंग कुछ है ही नहीं, ऐसे नहीं करने का, सहरी करके सोने का, अपन जोहर के टाइम में उठेंगे जोहर से पहला, उसके बाद वापस तो नमाज पढ़ के आराम कर सकता है, फिर असर में उठ सकता है, फिर असर की नमाज पढ़ सकता है। हाँ। फिर उसके बाद इफ्तार के टाइम थोड़ा दुए का टाइम, दुआ का टाइम रहता है तो दुए में बैठने का, दुआ करने का, क्योंकि माशाल्लाह तो पूरे रोजे रह रहा है। तो अभी चलिए हम भी दोपहर में आराम किए, मतलब आराम नहीं, उठे ही इतना लेट तो कहाँ से आराम करेंगे, मैं थोड़ा आराम करा क्योंकि मैं इन लोगों से जल्दी उठा था, ये दोनों बहुत आराम से उठ गए। तो जल्दी उठ के क्या करूं मैंने मेरा काम करा, तुम लोग आराम से सो गए। कल तो इतना डर रहा था ना शेरू को लेने के लिए, पर आज अरे हाँ वो क्या कर रहा है, शेरू को ले रहा है तो शेरू उसके ऊपर से ना ऐसे भागने की कोशिश कर रहा है, तो डर के उसको छोड़ रहा है। मैं बोला तो उसको पूरा उठा के मत ले, वरना छोड़ देगा तो उसको हाथ में से गिरेगा, पर आज हो गया उसको भी अभी डर विर गया, क्योंकि शेरू अपना काटता नहीं है, कुछ नहीं बैठता है, बट अब ऐसा जबरदस्ती करे ना तो तेरे को पंजे मारेगा वो।
और अभी भी तेरे को जबरदस्ती तू कर रहा है, क्योंकि वो अभी खाना खा के आया। खाना खाने के बाद उसको ना वो क्या करता है, अपने मुंह से ना खुद को ही साफ करता है, क्लीन करता है। देख सो गया सोता बहुत अच्छा हो रहा है, सोने के बाद उसको ऐसे ऐसे करना पड़ता है। बहुत भाई ये देखिए, ये अभी तक शेरू के साथ में खेल रहा था, और शेरू के साथ खेलते खेलते ये यहाँ पे सो गया, और वो है कि वहाँ पे जाके सो गया, वो उठ गया और ये अभी उठा नहीं है। तो चलिए अभी इसको उठाते हैं, क्योंकि इफ्तार का टाइम भी हो गया है। आई थिंक इसको थोड़ा रोज़ा लगा है, बट सुबह से तो ये आराम ही कर रहा है, फिर भी सोया। नुमान ओए चल, टाइम हो गया रोज़े का, सो मत हूँ करके उठ, चल वजू वजू कर ले चल। तो आज इफ्तारी में है समोसा, पास्ता, कबाब पाव, गुलगुले और ये के साबुदाने का वड़ा, और ये हमारे घर का रगड़ा है जो इतना ही बचा है, ये और ये एक वाटी बची है, और ये एक आया है हमको रगड़ा, फिर सैंडविच, फ्रूट्स, खजूर और आलू। तो ठीक है ना? हाँ। इतना बस ना, और बस, चाहिए? नहीं अगर चाहिए होगा तो बोल लाएंगे तेरे मामू नीचे से। नहीं नहीं बस हो गई, आज उसको थोड़ा रोज़ा लगा है, ऐसे लग रहा है वो। हाँ कैसे क्या लगा, मेरे को वही नहीं समझ रहा, इतना लेट उठ के कैसे लगा उससे रोज़ा। नहीं कैसा होता ना, कभी कभी सोने से भी रोज़ा लगता है। अगर उठेंगे जब घूमेंगे फिरेंगे हाथ धो करेंगे ना तो रोज़ा लगता है, अगर सिर्फ सो के रहेंगे ना तो उससे भी रोज़ा लग जाता है। हाँ अच्छा ऐसा भी होता है क्या? हाँ गर्मी तो बहुत हो रही है ना। चलिए अभी ये दुआ करते हैं, और आज हमने ठंडे में कुछ भी नहीं रखा है, क्योंकि मैं उसको बोल भी रही हूँ कि नींबू का शरबत बनाओ क्या, तो उसने नहीं बोला, बनाना चाहता है पीना चाहता है तो बना दूंगी। फिर होने के बाद नमाज पढ़ेंगे, फिर इफ्तार के बाद आपसे थोड़ी बात करेंगे, फिर हम जाएंगे बाड़े को, मतलब इसको भी जाना है तो इसको भी मुझे छोड़ने जाएंगे। चलिए ठीक है, अभी दुआ करते हैं, टाइम भी हो गया, हमारी इफ्तारी भी हो गई है, नमाज भी हो गई है, और नमाज के बाद ये देखिए कैसे बैठे हैं सभी लोग। मैं भी मेरे मोबाइल में था, ये भी अपने मोबाइल में है, और फरह भी अपने मोबाइल में थे। जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट किया फरह ने अपना मोबाइल रखा, पर अपने मोबाइल में ही है। और इसका दिखाएंगे ला रहा है, क्या दिखाए तो दिखाएंगे, ये देखिए नहीं दिखेगा, अभी नहीं क्यों नहीं दिखेगा। हाँ तो ये है काला बाड़ा बॉयस, तो काला है एक बाड़ा है क्या, काला है हमारा है। और वो बिल्डिंग में ना जिधर देखे उधर आपको नाम दिखेगा फरा का, जिधर देखे उधर इन्होंने अपना नाम लिखा है फरहीन फरहीन, जैसे कि पूरी बिल्डिंग इनकी है। जैसे फर्स्ट इनके घर के पास एंटर करते हैं ना, ऊपर ऐसी दीवार गई है ना, तो वहां पर भी लिखा है इन्होंने फरहीन राहिल शेख। हाँ फरहीन शेख, राहिल शेख, हर जगह वही है तुम लोगों का नाम, मतलब हाँ इनका बाड़ा, मतलब जो भी आएंगे ना पहले वो नाम ही दिखेगा उनको फरहीन, तो सोचेंगे हाँ कोई रहेंगे बोले यहाँ पे। ऐसा उन्होंने वहां पर लिखा है, हाथ भी नहीं जाता था वो लिखने के लिए, तो अभी तरावी के टाइम में, अभी टाइम है ईशा की अजान नहीं हुई है, तो हमने बोला था कि हम जाने वाले हैं करके, लेकिन अभी नहीं जा रहे, कैंसिल हो गया। अभी मुझे ये जाने वाला है, हम तो बोल रहे हैं इसको रुकने के लिए, पर वो छोड़ रहे हैं मुझे, ये जाने वाला है, तो अभी हम इसको, मैं इसको ड्रॉप करके आ जाऊँगा, फिर तरावी को चला जाऊँगा मैं, क्योंकि हमारा कैंसिल हो गया जाने का, इंशाल्लाह देखते हैं कल हम जाएंगे। तो चलिए आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिसने सब्सक्राइब किया है उसको बहुत सारा थैंक यू। हमारे दो चैनल हैं, मेरे को बार बार बोलना पड़ता है, आप डिस्क्रिप्शन में चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरा चैनल है फराह की लाइफस्टाइल, वो उसको भी जाके सब्सक्राइब कीजिए। हाँ और उसकी लिंक जो है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखना, घर में रहिए, सेफ रहिए।